जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के नए वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं। एक नज़र डालते हैं उनके आईबी चीफ के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात पर। साल 2015-16 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे दिनेश्वर शर्मा को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए इंटरलोक्यूटर बना दिया है, यानी वो इंसान जो आम लोगों की बात सुनकर सरकार तक पहुंचाए। जबकि दिनेश्वर शर्मा के इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की घाटियों में काफ़ी आतंकी हमले हुए और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। वर्ष 2015 से 2016 में उधमपुर, उरी, बारामूला, शोपिया में आतंकियों के काफ़ी बड़े हमले हुए। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2012 में कुल 117 लोग मारे गए थे, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 174 पहुंच गए और 2016 में ये बढ़कर 267 पर पहुंच गए, यानी करीब 93 लोग ज़्यादा। हालांकि 2017 में इनमें और बढ़त देखने को मिली, जबकि अभी साल खत्म होने में 2 महीने और बाकी हैं। वर्ष 2015 में 20 आम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो 2016 में घटकर 14 रह गए। 2015 में आतंकियों द्वारा 41 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जो 2016 में बढ़कर 88 पर पहुंच गए, यानी 47 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई और ये 113 से बढ़कर 165 पर पहुंच गए। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि दिनेश्वर शर्मा को ही क्यों इंटरलोक्यूटर बनाया गया, जबकि उनके कार्यकाल में आतंकी गतिविधियां बढ़ी थी। क्या जम्मू कश्मीर की आम जनता उनका भरोसा करेगी? दिनेश्वर शर्मा से 2 साल पहले के कार्यकाल में हिंसा में कमी आई थी, जब आसिफ इब्राहिम आईबी के प्रमुख थे। सवाल तो ये है कि जब सरकार में रहकर शर्मा कश्मीर पर मरहम नहीं लगा सके, तो अब वो क्या नई दवा बता सकते हैं? उजैर अली की रिपोर्ट, गो न्यूज़।